एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, एमपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर आपको कुछ इस तरह से रूल बुक मिली होगी, ठीक है। कई स्टूडेंट ने इसको पढ़ के भी देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये रूल बुक समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। ये जो रूल बुक है, यहाँ पर आपको एमपी आयुष काउंसलिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये जो पूरी रूल बुक है, इस वीडियो में पूरी इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। कई स्टूडेंट ने इसे पढ़ भी लिया होगा, ठीक है, और कई स्टूडेंट को समझ में आया भी होगा, और कई स्टूडेंट को समझ में नहीं भी आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, हम इस रूल बुक को पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक राउंड का प्रोसेस भी बताया है कि आपको कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन कैसे देना है, ठीक है, आपको सेटिस्फाइड का ऑप्शन चूज के कैसे एडमिशन लेना है, ठीक। तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ एमपी आयुष काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप में से किसी को मेरे से पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको आयुष एंड काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। आप जैसे ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आपको कोर्स में भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की वीडियोस मिलेगी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिलेगी कट ऑफ से रिगार्डिंग, ठीक। तो आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा वहां पर, और मेरा आपसे वन टू वन इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपकी मैं पर्सनली चॉइस फिलिंग करूंगा, ठीक है। और आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता है, तब तक आपको मैं काउंसलिंग में गाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको आयुष काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। वैसे तो उस कोर्स की जो प्राइस है वो कितनी है, 1000 रुपीज है, कितनी है, 1000 रुपीज है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही मैंने अपना छोटा सा ऑफिस बनाया है, तो उस खुशी के कारण मैंने जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो आयुष एंड काउंसलिंग गाइड का कोर्स हो, या आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आप जब बीएमएस में आएंगे तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग है, तो वहाँ पर भी जितने भी कोर्सेस है, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर मैंने 50% ऑफ रख रखा है, ठीक है, 50% ऑफ रख रखा है, यानी कि आपको यही कोर्स आयुर्वेदा विंग्स आर्मी है ना, आयुर्वेदा विंग्स आर्मी, ये क्या है, कोड है, ठीक है। इस कोड को आप यूज कर लेना, और यूज करके आयुर्वेदा विंग्स आर्मी करके कोड है, इस कोड को आप क्या करना, यूज कर लेना, और यूज करके आपको यही कोर्स 50% ऑफ होकर 500 रुपीज में आप रजिस्टर कर सकते हैं, और मेरे से पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। तो आप फटाफट जिसको भी चाहिए ले सकते हैं, ठीक। चलिए, अब हम टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में तो यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस दिए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि प्रवर्ग का मतलब क्या होता है। तो प्रवर्ग का मतलब आपकी जो कैटेगरी है, जैसे कि बात करते हैं, अगर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी के हो, है ना, या एससी कैटेगरी के हो, या एसटी कैटेगरी के हो, ठीक है, तो प्रवर्ग का मतलब क्या होती है, आपकी जो कैटेगरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, या अनुसूचित जाति, या जनजाति, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवर्ग बोलते हैं। अब किसी किसी स्टूडेंट को क्या होता है, सैनिक कोटा लगता है, किसी को स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी वाला कोटा लगता है, किसी को क्या होता है पीडब्ल्यूडी वाला कोटा लगता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, सैनिक कोटा हो गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटा हो गया, पीडब्ल्यूडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवर्ग बोलते हैं। और जिसको कोई भी जिसको क्या होता है, कोई भी इस तरह का कोटा नहीं मिलता है ना, कौन सा, संवर्ग का कोटा नहीं मिलता है, तो उसके आगे क्या लगा होता है, एक्स लगा होता है। आपने भी देखना, आपका जो आएगा ना, इस तरह से आएगा ओबीसी, मान लो आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रवर्ग हो गया, ठीक है। फिर एक क्रॉस लगा होगा, क्रॉस यानी कि आपको आपको ना सेमी कोटा लगता है, ना आपको स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी वाला कोटा लगता है, ना आपको पीडब्ल्यूडी वाला कोटा लगता है, यानी कि आप कट करके आपको मतलब संवर्ग का कोटा नहीं लगता है। और इस तरह से यहाँ पर ओपी, अगर आप मेल है तो ओपी लिखा हुआ आएगा आपकी कैटेगरी के आगे, और अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर एफ लिखा जाएगा बस। तो कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट में, या आप देखेंगे ना आगे, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी आपकी कैटेगरी। अगर आप एससी के हैं, अगर आप एससी के हैं, ठीक है, और अगर मान लो आपको क्या लगता है, सैनिक कोटा लगता है, तो एसक्यू लिखा जाएगा वहां पर, ठीक है। और अगर आप मेल है तो ओपी, फीमेल है तो ये।
अगर कोई कोटा नहीं है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, संपर्क कोटा नहीं है तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। चलिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एब्रीवेशन से जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा नीचे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा लग रहा है मेरे को। हाँ, थोड़ा नीचे आते हैं, चलो आरक्षण की बात करते हैं। तो आपको देखो, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसके नियम अनुसार आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स है ना, जिसको देखो, जिसको कोई संवर्ग कोटा नहीं लगता है, सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, जो भी कुछ कोटा नहीं लगता है, तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी आरक्षण दिया गया है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिव्यांग जो यानी कि जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, आपका बकायदा सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, भले आप पीडब्ल्यूडी में हो, मतलब आप फिजिकल वीक हो, तब भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आपको एक्स्ट्रा 6% आपकी सीट जो होती है क्या होती है, रिजर्व होती है किसके लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। आप डिटेल में पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आरक्षण बता रहा हूँ कितना आरक्षण मिलता है, ठीक है। जो सैनिक कोटा है ना, जिसको सैनिक कोटा लगता है, ठीक है, यानी कि जिसके जिसके पिताजी पहले सैनिक में रह चुके हैं, है ना, जॉब कर चुके हैं, आर्मी में रह चुके हैं, या रिटायर्ड भी हो चुके, तब भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको आरक्षण मिल जाएगा कितना, 3% का आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सैनिक कोटा देखो, भूतपूर्व यानी कि पहले रह चुके यानी कि रिटायर्ड हो गए, तब भी आपको आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सैनिक कोटा का आरक्षण मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपके फ्रीडम फाइटर वॉरियर रह चुके हैं आपके यहाँ, आपके पूर्वज, है ना, तो आपको इसका फ्रीडम फाइटर का भी आपको कोटा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आरक्षण कितना मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 3% आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई कोटा लग रहा है, जरूर आप लीजिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो होती क्या होती है, कम जाती है, ठीक है। चलिए, महिला आरक्षण, अब यहाँ पर देखो एमपी में क्या होता है, जितने भी फीमेल कैटेगरी है उसको अलग से 33% रिजर्वेशन मिलता है ना, जितने भी सीटें हैं, तो यहाँ पर फीमेल्स को कितना 33% रिजर्वेशन, यानी कि फीमेल कैटेगरी के लिए 33% सीट जो होती है तो रिजर्व होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो देखिए, अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार, अब देखो, जो भी आपकी जाति लगती है, आपकी जो भी कास्ट है, तो आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, अपडेटेड। अगर किसी ने अपडेट नहीं कराया है तो इसे आप अपडेट करा लीजिए, ज़्यादा पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ प्राप्त, चलिए, हाँ, आय प्रमाण पत्र ओबीसी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो अभ्यर्थी है, उनको अभिलेख सत्यापन के दौरान आय प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष, यानी कि देखो, आपका जो आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर ये बोला आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, उसके साथ साथ आपको ये आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना है, और ये 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, अगर 1 साल से अधिक पुराना है तो आप इसे क्या करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए, ठीक है, 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप देखिए, ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, और मैंने अपने पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स सारे कैसे होने चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, यहाँ पर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आरक्षित प्रवर्ग, हाँ, यहाँ पर आरक्षित इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सीट कन्वर्जन की बात कर रहा है, यहाँ पर सीट कन्वर्जन की बात कर रही है, ऐसा बोल रहा है कि रिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स है, जैसे कि मान लो एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, या एसटी कैटेगरी वाले हैं, या ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर इनमें से, ये सब रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट, ठीक है, तो इनमें से अगर मान लो कोई उम्मीदवार नहीं होता है, ठीक है, मतलब सीटें हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं है, तो क्या किया जाएगा, इनकी सीट को कन्वर्ट कर लिया जाता है, एससी कैटेगरी की सीट है, ठीक है, मान लो, और वहाँ पर एसटी कैटेगरी की सीट है, उसका कोई उम्मीदवार नहीं है, तो यह किसको दी जाएगी, एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को फॉरवर्ड की जाएगी, यानी कि एसटी की सीट कौन भर लेगा, किसके द्वारा भरी जाएगी, एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के, ठीक है। अगर मान लो एससी वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा, अन्य ओबीसी यानी कि जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उसके द्वारा भरी जाएगी। अगर मान लो ओबीसी कैटेगरी का भी कोई उम्मीदवार नहीं है तो जनरल कैटेगरी के द्वारा वो सीट भरी जाएगी, यानी कि सीट कन्वर्जन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, आप डिटेल में पढ़ लेना इसको, हाँ। फिर देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑल इंडिया कोटा में कितने राउंड्स होंगे, 2 राउंड्स होंगे, ठीक है। 2 राउंड के बाद अगर यहाँ पर सीट लेफ्ट रह जाती है, सीट बच जाती है, वैकेंट रह जाती है,
तो ये सीट जो है किसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, स्टेट कोटा को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, है ना। 85% जो स्टेट कोटा है उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में दो राउंड हो गए, इसके बाद अगर मान लो सीट वैकेंट रह जाती है तो स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड की जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये तो आप सभी को पता ही है ना, आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले हम BMS, चाहे BMS लो, UMS लो या BHMS लो, आपके 12वीं में, है ना, आपके 12वीं में कितने परसेंटेज होना चाहिए, 10वीं कक्षा या 12वीं में, आपके 12वीं में काउंसलिंग कराने के लिए 12वीं में जो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है उसके लिए 50% चाहिए, ठीक है। और जो OBC हो गया, SC हो गया, ST कैटेगरी वाला कैंडिडेट है, इनके लिए 40% चाहिए, ठीक है, इनके लिए 40% चाहिए तभी आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये 12वीं के मार्क्स से, ठीक। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले को कितना, यहाँ पर न्यूनतम अंक 45%, अनुसूचित जाति को 40, अच्छा यहाँ पर 45 दिया हुआ है, वैसे अलग अलग स्टेट में 50 दिया था तो मैंने 50 मान लिया, ठीक है, तो आप उसको 45 कर लीजिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी वाले को मिनिमम 45% चाहिए और ओबीसी ST को 40% चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, देखो, और जो BUMS कोर्स लेना चाह रहा है, जो BUMS कोर्स लेना चाह रहा है, ठीक है, तो BUMS कोर्स के लिए क्या है, आपको 10वीं या 12वीं में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, उर्दू, अरबी या फारसी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़े होना चाहिए 10वीं या 12वीं में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप BUMS कोर्स तब भी ले सकते हैं, तब भी ले सकते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको फर्स्ट ईयर में उर्दू पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो इतना कुछ ही दिया नहीं, हाँ आपका, ठीक है, ये तो इतना कुछ खास है नहीं, ये थोड़ा हम नीचे आते हैं। हाँ देखो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर होना चाहिए, कब तक, 31 दिसंबर तक, ठीक है। 17 ईयर आपकी एज नहीं होगी तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर फीस के बारे में बात की गई है ना, तो जो भी शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क तालिका 1 अनुसार देय होगा, जिसे संबंधित, हाँ तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या फीस है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या फीस है और प्राइवेट कॉलेज की फीस, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। फीस वापसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसने ये बोला हुआ है, देखिए, काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र द्वारा काउंसलिंग के तृतीय चरण तक महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन, देखो यहाँ पर यह बोला कि थर्ड राउंड तक, ठीक है, मान लो आपने एडमिशन ले लिया और आपको लग रहा है कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो थर्ड राउंड तक अगर आप सीट को छोड़ते हैं तो आपने जितनी भी फीस भरी है उसमें से 10% कटौती करके, आपको आपकी फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है, रिफंड कर दी जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप इसके बाद अगर आप प्रवेश निरस्त कराते हो तो केवल आपको क्वेश्चन मनी मिलेगी, आपकी फीस जो वापस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात किया, देखो अब हम बात करते हैं काउंसलिंग का जो प्रोसेस है क्या होगा। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा, तो ये वेबसाइट पर होगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा वाले जो स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 17 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टेट कोटा का जो है वो कब स्टार्ट होगा, वो 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने शेड्यूल के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट हैं वो 15% में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि सर हम क्या दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि अगर मान लें आपने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज को छोड़कर आ गए, है ना, कॉलेज मिल गया, आप कॉलेज को छोड़कर आ गए, फिर आप सोचे कि चलो मैं स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, वहाँ पर मेरे को बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, तो वो चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। आपको आपको अगर मान लो ऑल इंडिया कोटा में आपने पार्टिसिपेट किया, है ना, और मान लो यहाँ पर आपको सीट नहीं मिली तो आप स्टेट कोटा में भी कर सकते हो, ठीक। देखो ऐसा, हालांकि आप रूल बुक में जाएंगे ना, लास्ट ईयर का रूल बुक देखेंगे, वहां पर ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है इन दोनों में से सिर्फ एक ही जगह पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन लास्ट ईयर क्या होता, कई स्टूडेंट ने दोनों जगह पार्टिसिपेट कर लिया था और वो तब भी उनका कुछ नहीं हुआ था, तो उसको देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में भी कर सकते हैं आप, स्टेट कोटा में भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि अगर आपने, आपको मान लो ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गया, आपने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लो आपने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया, वहां पर आपको सीट नहीं मिली,
तो आप यहाँ पर फिर चांस ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए अब देखो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सर सिक्योरिटी मनी कितना है, सिक्योरिटी मनी, ठीक, तो सिक्योरिटी मनी यहाँ पर नहीं लग रहा है। आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ ₹50 देना पड़ेगा, आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो नहीं लग रहा है, ठीक है, बाद में जो भी होगा देखेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अभिलेख सत्यापन। तो देखो जितने भी 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपके आसपास जो भी नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर आप जाइए, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराइए, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी, आप चेक कर लेना MPIS काउंसिल 2024 की प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर बार मैं ये आपको समझा चुका हूँ, बार बार आपको मैं ये समझाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फिर मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, संस्था का चयन होगा, ठीक, यानी कि आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था ₹50 लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ₹50 लगेंगे, ₹50 आप पे करो, चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर के बाद अगर मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है सारे आपके जो भी एडमिशन एडमिशन के समय जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, साथ में फीस ले जाना है, और आपको क्या करना है, एडमिशन को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रवेश, अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा पाठ्यक्रम महाविद्यालय आवंटन के पश्चात अधिसूचित दिनांक वहां तो आपको टाइम दिया जाएगा रिपोर्टिंग का, तो उस दौरान आपको क्या करना है, अगर आपको एडमिशन लेना, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपको कॉलेज में जाना है डॉक्यूमेंट के साथ, फीस के साथ, और आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं डिटेल में आपको सारी चीज बताऊंगा, ठीक। चलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, चलो ये तो अब चलिए अब हम बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं, तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, आपका मेरिट लिस्ट आ गया, चॉइस फिलिंग कर दी, आप अब क्या होता है, अब क्या होता है, मान लो फर्स्ट राउंड में है ना, मान लो फर्स्ट राउंड में क्या होगा, अब यहाँ पर तीन कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट राउंड में तीन कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कितने कैटेगरी स्टूडेंट होंगे, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, इधर करते हैं। देखो राउंड फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखो इस वीडियो का ना ध्यान से सुनना है ना, यहाँ पर मैं आपको पूरी काउंसलिंग बता दूंगा, अभी जरा भी डाउट नहीं रहेगा। देखो राउंड वन में एक तो वो स्टूडेंट होगा जिसको कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, नो अलॉटमेंट, तो जिसको कोई अलॉटमेंट नहीं होगा वो तो क्या करेगा, डायरेक्ट राउंड दो में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी का वो स्टूडेंट होगा जिसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिसको क्या हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस बंदे को कॉलेज अलॉट होता है तो वो क्या कर सकता है, वो दो ऑप्शन चूज कर सकता है, दो में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो वो सेटिस्फाइड हो जाए है ना, या वो क्या चूज कर सकता है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर सकता है, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड का ऑप्शन चूज करते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको फिर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको कॉलेज में जाना है, फीस के साथ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और आपको वहां पर क्या ले लेना है, एडमिशन ले लेना है, एडमिशन ले लेना है, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने यार मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं, मैं 10% फीस काटकर आपको सारी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर आप नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब लेकिन इसका एक निर्धारित समय दिया गया है, ठीक है, मतलब सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले आप ये चीज कर सकते हो, प्रवेश निरस्तीकरण वाला, ठीक। चलिए उसके बाद अगर मान लो आपको कॉलेज मिला और आपको लगता है कि नहीं यार इससे बेहतर कॉलेज में को मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करोगे। जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करेगा उसको कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, उसको कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है, ऑनलाइन ही आपको अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज कर लेना है, और आपको फिर डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में यानी कि राउंड टू में आपको पार्टिसिपेट करना है ना। मैंने क्या बोला, जो सर्टिफाइड का ऑप्शन चूज करेगा तो उसको तो कॉलेज में रिपोर्ट करना है और एडमिशन लेना है, ठीक है, और जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन देगा उसको कॉलेज नहीं जाना है, उसको ऑनलाइन ही अपग्रेडेशन का ऑप्शन को चूज कर लेना है, और आप डायरेक्ट क्या करेंगे, राउंड टू में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये मैं 85% वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए आप राउंड टू में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो आपको कॉलेज मिल गया लेकिन आपने ना तो सर्टिफाइड का ऑप्शन चूज किया ना आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया, तब भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। मान लो आपको कॉलेज मिल गया, आपने सर्टिफाइड का ऑप्शन चूज किया लेकिन आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किए, तब भी आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, पात्र रहेंगे आप सेकंड राउंड के लिए, ठीक है।
और मान लो आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दिया, लेकिन आप कॉलेज में तब अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो आप कॉलेज में जाना ही नहीं है, आप राउंड टू में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगी प्रोसेस फर्स्ट राउंड की। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में कौन कौन स्टूडेंट रहेंगे, तो पहले तो वो जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे वो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, तीसरे वो जिसने सर्टिफाइड का ऑप्शन चूज किया था फर्स्ट राउंड में लेकिन वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया था, और चौथे वो जिसने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक है, और पांचवे वो जिसने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था। तो ये सारे स्टूडेंट सेकंड राउंड में एलिजिबल रहेंगे, और इस लाइन में ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज, राउंड टू में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो अगर आपको एडमिशन लेना, आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सेटिस्फाइड का ऑप्शन चूज कीजिए, सारे सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर, फीस लेकर आप कहाँ जाइए, कॉलेज में जाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को बेहतर कॉलेज मिल सकता है तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। मतलब मैंने जो फर्स्ट राउंड में जो चीजें बताई ना वो यहाँ पर भी एलिजिबल रहेगी, यानी कि आपको सेकंड राउंड में भी आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड राउंड आएगा। तो थर्ड राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, तो पहले तो वो जिनको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था, दूसरे वो जिसने सर्टिफाइड का ऑप्शन चूज किया था लेकिन कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, चौथे वो जिन्होंने दोनों में से कोई ऑप्शन चूज ही नहीं किया था, और पांचवे वो जिन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया था। ठीक है, तो ये सारे थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, और ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फिर थर्ड राउंड में क्या होगा, आपको अगर कॉलेज मिले था, है ना, एक तो क्या होगा, आपको कॉलेज यहाँ पर नहीं मिलेगा थर्ड राउंड में, नो अलॉटमेंट, तो इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप अगले राउंड में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो थर्ड राउंड के बाद कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है, या तो आप एडमिशन लो, है ना, एडमिशन लो, यानी कि आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन है ही नहीं, आपको जो भी कॉलेज मिला आपको वहाँ पर एडमिशन लेना ही है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एडमिशन नहीं लेना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट आपकी सेफ नहीं रहेगी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल तो रहेंगे लेकिन वो सीट आपकी सेफ नहीं रहेगी। ठीक है, तो थर्ड राउंड के बाद का राउंड जो होता है थोड़ा क्या होता है, रिस्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो थर्ड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो आपको एडमिशन लेना है, या अगर आप सीट छोड़ रहे तो आपकी वो सीट जो है वो सेफ नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा थर्ड राउंड तक। उसके बाद लास्ट राउंड होगा कौन सा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, तो देखो तृतीय चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात महाविद्यालय सीट, अगर मान लो सीटें वैकेंट रहती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराया जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय चरण के पंजीकृत, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनके अलावा नवीन अभ्यर्थी भी, यानी कि यहाँ पर फिर से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए उपरोक्त मेरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय उपस्थित, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर, फिर वो तो वही है, आपको कॉलेज मिलेगा तो एडमिशन लेना है, और नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर मान लो अगला राउंड होता है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चार राउंड होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो डेट तो आ ही गई है, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। चले अब थोड़ा नीचे हम आते हैं, थोड़ा हम नीचे आते हैं। अब ये जो टिप्पणी दी हुई है कॉलेज के रिगार्डिंग दी हुई है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। ठीक है, और हाँ, क्वालिफाई होना चाहिए, आप प्राइवेट कॉलेज में भले आप एडमिशन ले रहे तब भी उसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए, अगर आप इलीगल तरीके से एडमिशन लेते हैं तो मान्य नहीं होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम ऊपर आते हैं। अब ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज की क्या फी है, तो ट्यूशन फी जो है, आयुर्वेद की बात करें ट्यूशन फी 40,000 है, होम्योपैथी की 35,000 है, यूनानी की 25,000 है। ठीक है, एक ईयर की है। स्टूडेंट फंड 1500 रुपये है, यहाँ पर 2500 है, यहाँ पर 2500 है। ठीक है, सुरक्षा निधि यानी कि सिक्योरिटी मनी 10,000 है तीनों में। ठीक है, यात्रा यानी कि आपका क्या होता है, शैक्षणिक भ्रमण होता है, एजुकेशन टूर होता है, तो आयुर्वेद में 4,000 रुपये लग रहे हैं, बाकी यहाँ पर 3,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, प्रवेश के समय आपको देना है, ये प्रवेश के समय देना है, ये आपको प्रतिवर्ष देना है। ठीक है, उसके बाद छात्रावास अगर हॉस्टल है तो 5,000 रुपये यहाँ पर क्या लगेगा, सिक्योरिटी मनी रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्वशासित संस्था के नियम के अनुसार यहाँ पर 10,000 रुपये रहेगा। ठीक है, उसके बाद छात्रावास निवास शुल्क, तो ये तो अब कॉलेज के रिगार्डिंग, यहाँ पर 20,000 रुपये दिया हुआ है, ये कॉलेज वाला निर्धारित करेगा उसको। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रारूप दिए हुए, है ना, फॉर्मेट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, जिसको आप देख लेना। ठीक है, तो ये रूल बुक थी, मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में पूरी रूल बुक समझा दी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तरफ से जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, और अगर आप पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस सुनना चाहते हैं तो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।